हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कॉलमेट का पावर बैंक, जो कि है 20,000 mAh का, और ये हमने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, इसकी प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे और ये कितना यूज़फुल है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग अनबॉक्सिंग से और उसके बाद में फिर कुछ और बात करेंगे। प्रोडक्ट जो कि है कॉलमेट का पावर बैंक, वो भी 20,000 mAh की बैटरी के साथ। इस पर कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि चार्ज बिफोर यूज़, और DX15 इसका मॉडल है, ब्लैक कलर, 20,000 mAh, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके ऊपर लिखा है MRP 2499। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिसंबर 2021 की पैकिंग है और इंडियन प्रोडक्ट है ये। कस्टमर केयर नंबर और मेल आईडी में मिली है, तो सब खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि, तो बहुत नॉर्मल पैकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें एक छोटी सी माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और साथ में हमें मिलता है ये पावर बैंक का एक यूज़र मैनुअल, जो कि बहुत नॉर्मल है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में ये बनाया गया है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो हिंदी में इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बजाय कि चाइनीज या किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के। तो दिस इज़ बबल रैप जिसमें प्रोडक्ट को रैप किया गया था, और ये प्रोडक्ट है कॉलमेट का। तो ग्लॉसी फिनिश के साथ ये प्रोडक्ट, एक इसमें ये पावर का बटन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और सबसे बड़ी बात इसके साथ आपको चार वायर्स मिलती हैं जो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली वायर है एप्पल की लाइटनिंग वायर, जो कि इसके साथ अटैच है। उसके बाद सी टाइप वाली वायर, माइक्रो USB, तो आप किसी भी तरह का आपका डिवाइस है इसे चार्ज कर सकते हैं। प्लस चार्जिंग के लिए एक USB पॉइंट भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कॉलमेट की ब्रांडिंग मिल जाती है, और अगर ऊपर बात करें तो चार्जिंग के लिए, इनपुट के लिए सी टाइप से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, माइक्रो USB से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट करता है। इसमें डबल स्पीड से चार्जिंग होगी, तो इसमें दो चार्जिंग, और ये दो लो लाइट्स दी गई हैं। इसको ऑन करके हम देख लेते हैं, तो पावर बैंक के साथ साथ ही टॉर्च भी दी गई है। तो हमारे ये डिजिटल डिस्प्ले, अभी ये मैंने इसे 100% चार्जिंग शो कर रहा है। इसको मैंने रख के देखा है तो 10 दिन के बाद भी ये, मतलब चार्जिंग इसकी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं हो रही है। और एक चीज़ जो शायद अगर आप कैमरे में देख पाएँ, तो मेक इन इंडिया का ये प्रोडक्ट, और 2.4 एम्पेयर इनपुट और मैक्सिमम भी 2.4 एम्पेयर की चार्जिंग ये देता है। तो कैपेसिटी इसकी 20,000 mAh, वेट में काफ़ी ज़्यादा है। तो अब अगर हम बात करें कि चार्जिंग की, तो ये कितना चार्ज कर सकता है, तो 6,000 mAh के फ़ोन को ये लगभग 3 बार चार्ज कर देगा, फुल चार्ज कर देगा। और एप्पल की वायर, एप्पल फ़ोन की बात करें, तो एक फ़ोन को 4 से 5 बार ये इजीली चार्ज कर सकता है। तो सी टाइप बी सपोर्ट है, आपको अलग से केबल कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके साथ ही अटैच है। तो अगर आपको थोड़ा सा भारी प्रोडक्ट आप कैरी कर सकते हैं या गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। बट थोड़ा सा भारी है, मैं उसे कहूँगा कि इतना हल्का भी नहीं है, वेट में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 20,000 mAh है। ओवरऑल लुक वाइज, फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। तो और प्राइस की अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं कि प्राइस की, तो ये मुझे मिला कितने का है। तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, और इसे ये कॉस्ट किया है हमें
1100 यानी कि 1100 रुपये, जबकि MRPS का 2499। तो 1100 रुपये के हिसाब से प्रोडक्ट इज़ क्वाइट गुड। तो अगर आप थोड़ा सा भारी या ज़्यादा कैपेसिटी का पावर बैंक चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर मुझसे वैसे पूछा जाएगा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 10,000 mAh इज़ गुड इनफ, बट अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आपने किया है तो इसका फीडबैक मुझे देना ज़रूर, ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।